नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम किंगम बसर है और मैं लेपारादा जिला का रहने वाला हूँ, अरुणाचल प्रदेश का। तो दोस्तों, आज मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि हमारे आस बीच बहुत ही जाने माने, हमारे ये लेपारादा जिले के बहुत ही एक जाने माने सज्जन जो कि पेशे से वकील भी है, और इन्होंने 2 बार हमारे यहाँ पे एमएलए भी कंटेस्ट किया है। तो वैसे तो वो इंट्रोडक्शन कोई मोहताज नहीं है, फिर भी मैं आप सभी को बता दूं कि आज हमारे बीच जो है तोगो बसर जी है। तो मैं तोगो बसर जी को मैं अपने इस वीडियो में स्वागत करना चाहूँगा। वेलकम सर। थैंक यू। तो सर जी, मैं आपको कुछ सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आपको पता है कि हाल फिलहाल में हमारे यहाँ पे जो असेंबली और पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो कंक्लूड हुआ है, तो अभी कल को यानी कि 2 जून को असेंबली का काउंटिंग होने जा रहा है और 4 जून को आपका पार्लियामेंट का काउंटिंग होने जा रहा है। तो इस संदर्भ में आप अपने लेपारादा के लोगों को या हमारे स्टेट के और भारतवर्ष के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? तो एक्चुअली शांति जो है जी सभी के लिए जरूरी है, और जो सभी धर्म में जब देखता है तो हम लोग बी ए पीस मेकर बोल के लिखा हुआ है होली बाइबल में भी, सभी धर्म में एक्चुअली। तो जो हम लोग एक फेस्टिवल का रूप में लेके इलेक्शन को, जैसे हर किसी ने खेला, अपना राइट भी है, कॉन्स्टिट्यूशनली राइट भी है, तो अभी अपना उसमें अपना क्रिएटिविटी को दिखाने का मौका मिला, तो कोई भी ढंग से हो। तो अभी तो फिलहाल तो हम लोग का कैंपेन का टाइम खत्म हो गया, तो अभी हम लोग फिर से एक है सोचना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि इवेंचुअली हम लोग तो भगवान तो नहीं है, तो जो रिजल्ट निकलेगा वो तो परमेश्वर की इच्छा का रूप में हम सही लोग को ग्रहण करना चाहिए, प्रसाद का रूप में। और जो भी जीतता है और उनका जो कोर मेंबर है, तो उन लोग को चाहिए कि इंक्लूसिव ग्रोथ के अप्रोच होना चाहिए। तो मेरा लक है कि हम एक बहुत ही महान व्यक्ति लेप कारगो बसर जी, जो मेरा दादाजी के भाई हुआ करते थे, जो फ्रीडम फाइटर, उनका घर पे उनका पोता जी है केंगम जी के साथ में वार्तालाप करने का जो मौका मिला है। तो एक्चुअली हम लोग का पॉलिटिक्स तो आएगा जाएगा, जी। इसको ये तो टेम्प्रोरी है, तो मेन तो हम लोग का सोसाइटी का वो जो है ना, जो उन्माद है, वायलेंस है, वो तो मतलब एक्चुअली बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। वो पहले जमाना का हिसाब से आजकल तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल वो चलेगा भी नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि आप उस टाइप का आदमी को पार्टी में रखेगा कि जीत गया बोल के किसी को मारपीट करके बा किसी को दबाएगा सोच रहा है, तो उससे नेक्स्ट टाइम के लिए तो पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा, नहीं है। सही है। तो वो पहले माफी नहीं है आजकल, तो इसलिए उल्टा बर्फपन दिखाना चाहिए। तो चलो, जो वोट नहीं दिया वो तो उसका पार्टी में तो नहीं आएगा, लाजिम है, वो तो नेचुरली है। तो रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम, बसर जी के जो भी अभी बहुत ही अच्छी तरह से उसने दोनों पार्टी को संदेश दिया है, तो वे जब अब जब ये इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा था, अब तक तो दोनों पार्टी में बहुत ही लोगों को, दोनों कैंप में आपको बहुत चाहने वाले लोग हैं, और ऐसे सुनने में आ रहा था कि आपको कुछ स्टेट में या सेंटर में आपको कोई बड़ा रोल मिलने जा रहा है, ये कहाँ तक सच है? थोड़ा हमारे दर्शकों को भी थोड़ा इस विषय में थोड़ा बता देने से अच्छा है। नहीं, एक्चुअली बिना फल का इच्छा करके काम करते जाना है। ओके एक्चुअली आदमी का सेल्फ सेटिस्फेक्शन ही बहुत बड़ा चीज़ है। आप ये जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा पोस्ट में रहने से आदमी खुशी होगा, ऐसे तो नहीं है। जी। तो फिर भी अगर अच्छा सोच वाला को अगर बड़ा कोई भी अगर सेंटर में आ जाता है, तो उसे लगता है कि एक्चुअली क्या है कि हम लोग का जो है इंडिया में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सस्टेन नहीं होने का कारण, एक्चुअली उन लोग तो शास्त्र को यूज करता है इलेक्शन में, लेकिन शास्त्र का हिसाब से 5% भी नहीं जाता है। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण जैसे और जो ज्ञानी व्यक्ति है उसका इज्जत करता था ना पहले का राजा लोग, तो उससे उनका एक पॉजिटिव ऑरा होता था। ज्ञानी व्यक्ति और स्पिरिचुअल व्यक्ति को भी एक कम से कम 30% चेयरमैन वगैरह या गवर्नर बना दिया या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना दिया। तो अभी फॉर एग्जांपल बीजेपी का फॉर एग्जांपल खराब मत पाइएगा, मतलब उनका तो हमेशा
नेशन कम फर्स्ट बोलते हैं, नेशन कम फर्स्ट। तो ये सब जो है, जैसे वासुदेव कुटुंबकम है, अंत्योदया, दिस आर हाईली स्पिरिचुअल ये जो कोनोटेशन है, तो इसको अगर आप फॉलो अप नहीं करना है तो बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वज्रपात हो सकता है, डिवाइन जो कर्स जो। तो मेरा जो केस है, हम एक तरफ से बीजेपी भी कल को अगर हारने से भी या जीतने से भी हमको एक अलग वे में ले सकता है, क्योंकि मेरा तो सब चीज़ हम आदमी को एक मौका देता है। तो हम काफ़ी कम्युनिकेशन किया था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को भी, पीएमओ में, उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी को, फिर अमित शाह जी वगैरह को भी हम, क्योंकि अभी एक्चुअली कोई पार्टी जीतो मत जीतो, मेरे लिए सचमुच ही नेशन काम पास थे, क्योंकि अभी सचमुच का तीसरा विश्व युद्ध भी होगा लग रहा है, क्योंकि भविष्यवाणी भी आके बैठा हुआ है संत अच्युत्यानंद जी महाराज जी का 1000 साल पहले से। और अभी जो दिख रहा है ना आपका, तो हम लोग का जो जियोपॉलिटिक्स, वर्ल्ड का जियोपॉलिटिक्स इतना जल्दी चेंज हो रहा है, तो इसलिए मैंने लास्ट टाइम बिफोर इलेक्शन काफ़ी उन लोग को भी एक रिफ्लेक्शन टाइम दिया था कि क्यों ना हम लोग मिनी वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन ऑर्गेनाइज करें मिल के, मतलब तो मोदी जी का तो इतना रिसोर्स था तो उस समय, तो मेरा तो बाकायदा रिटर्न प्रूफ है मेरा, हम बेसिकली मेरा तो हर प्रूफ रहता है मेरे पास, तो उसको हम आदमी का शायद उन लोग नॉर्थ ईस्ट वाला इतना ज्ञानी कैसे हो गया, वो चीज़ भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर मुझे मेरा बात को अगर उन लोग अहमियत देता, क्योंकि ऊपर वाला भी हर आदमी को कुछ ना कुछ यूज़ करता है, अभी तक 4 चीफ मिनिस्टर को मैंने भविष्यवाणी किया जिंदगी में। अच्छा, तो मुझे लगा कि आपका भविष्यवाणी सच निकला। हाँ, पहले मैं काफ़ी तपस्या करता था। ओके, तो उस समय तो शायद परमात्मा का कृपा है कि जो बोला है हो गया, मतलब तो चीफ मिनिस्टर भी एक दो तो अभी भी जिंदा है, 2-3 तो उन लोग भी मानता भी है कि आपका भविष्यवाणी से हुआ है। तो मुझे एक इस टाइप का फीलिंग लगा कि हमें, मतलब ये, क्योंकि एक्चुअली स्वामी विवेकानंद जी का भी इच्छा था कि आपका इंडिया चाइना का रिलेशन अच्छा हो गया 21st सेंचुरी में। तो अब फिर मेरा परिवार का भी पाकिस्तान से, मतलब आपका संबंध हो गया, पारिवारिक संबंध, हाँ, मेरा बहू जो है मेरा पाकिस्तान, हाँ, से पाकिस्तान से आ गया। हाँ, तो मुझे लगा कि ऊपर वाला का भी इच्छा है कि मेरा परिवार को, हम लोग का जो परिवार है, तो उससे शायद मतलब दुनिया का शांति के लिए कुछ ऊपर वाला का कोई प्लान है क्या, है क्या लगा, इसलिए मुझे लगा। तो इसलिए एक्चुअली मुझे पर्सनली लेना नहीं चाहिए, और जो मुझे क्लोजली जानता है उन लोग तो खराब नहीं पता है, क्योंकि आप आदमी को ऐसे झूठ मूठ अटैक करना गलत, वो भगवान भी माफ नहीं करेगा, लेकिन कुछ रीजन होना पड़ेगा। जैसे चलो राहुल जी तो आप ओपोजिशन हिसाब से राइट है, सही ना, बात का बात है भाई, कोई मोदी जी भी तो बेचारा एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, तो वो भी तो राइट है, तो मैं भी तो अपना जगह राइट हूँ, क्योंकि मेरा तो बाकायदा प्रूफ है। तो हम एक्चुअली देश के इंटरेस्ट के लिए बोल रहा, और कल को जो भी जीते हम चाहेगा कि कुछ इश्यूज को हम लोग एबो पॉलिटिक्स रखने से देते, सही है, स्पेशली जो आपका ये जो है, मतलब इंटरनेशनल रिलेशनशिप को, ऐसा ना हो कि कोई पार्टी हार जाए। थोड़ा मैं आपको इंटरव्यू करना चाहूँगा, ये इंटरनेशनल इश्यूज के विषय में हम एक दिन अच्छी तरह से इस विषय में हम बात करेंगे फिलहाल, क्योंकि अब कल वोटिंग काउंटिंग का दिन है, तो हम आज के जो इंटरव्यू को आज यहीं तक सीमित रखते हैं, क्योंकि आपका जो है, आपने जो समय निकला, समय जो दिया, क्योंकि अभी जो लोग सब जो है काउंटिंग के लिए जो बैठे हुए सब रुके हुए हैं कि कल का क्या रिजल्ट होगा, तो इसी में आप संक्षेप से थोड़ा जल्दी से एक अपना तरफ से कुछ संदेश देना चाहोगे दर्शकों को, लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप टाइम थोड़ा दे दीजिएगा। मैं वही है कि हम लोग का इंसानियत का रिश्ता तो है ना, सही, तो और पॉलिटिक्स में तो कोई परमानेंट फ्रेंड या फो तो है नहीं, सही, तो इसलिए मेरे ख्याल से खासकर हमारा जो नेता है, तो नेता लोग तो इतना खराब नहीं होता सर, तो कुछ कुछ होता है आपका ये जो है वो जो मेन सपोर्टर्स होता है या युवा पीढ़ी लोग जो है, तो कल को मतलब चलो अब जीतने से तो पार्टी करता है, करने का भी राइट है, लेकिन एक दूसरा को इतना खराब, या जो हार भी गया वो भी एक दूसरे का भला बुरा नहीं कहते, जो आराम से अपना चीज़ों को, हाँ हाँ, इतना हद तक ना जाए कि आपका मतलब मणिपुर में भी सडनली सिविल वार हर जगह निकल जाए, क्योंकि इस टाइप का प्रोफेसी भी आ भी रहा है एक्चुअली,
सिविल वॉर निगेटिव एनर्जी बहुत काम कर रहा है, तो इसलिए मैं एक्चुअली लास्ट टाइम बिफोर इलेक्शन मैंने एक्चुअली अपोजिशन हिसाब से इफ आई एम नॉट रॉन्ग कांग्रेस को भी मैंने मेल किया था वो वर्ल्ड मिनी वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, तो उसमें आएंगे हम कभी कुछ ही दिन उस विषय में हम बात करेंगे। तो मतलब अभी इवेंचुअली क्या है कि जो अगर सपोजिंग गलती करके गड़बड़ करके जीत भी गया बात का बात, तो ऊपर वाला तो देख रहा है तो उसको तो खराब दर्दनाक मौत होगा ना, शराब तो लगना ही है। तो इसलिए भगवान में अभी हम ही बदला लेगा। मतलब अभी तो एक ऐसे रूमर फैला हुआ है ना कि ईवीएम काफी हैकिंग हुआ वगैरह, तो मेरे ख्याल से ऊपर वाले को ऊपर छोड़ देना वही है। मतलब ये जो ऊपर वाला ही इज द बेस्ट जज, सही है। कहीं ना कहीं एक दिन तो ऊपर वाला का वज्रपात तो पड़ना है, आप कब तक दबा के रखेगा ना सच्चा। बाइबल में भी जैसे कि लिखा है कि ऊपर वाला कोई छोड़ देना है, परमेश्वर कहता है कि मेरा ऊपर ही छोड़ दे, वो तो आप अपना तरफ से कुछ ना करें। तो चलिए, आपने समय निकला, बहुत ही धन्यवाद आपको। आपको परमेश्वर आपका सुरक्षा करे, आपको आपका परिवार को फले फुले, आप आगे बढ़े, हमारा यही दुआएं है। थैंक यू, तो बहुत ही धन्यवाद आज के लिए। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि बसार जी बहुत सारे विषय में उनका बहुत ज्ञान है। तो इस इंसान के साथ, ऐसे शख्सियत के साथ कुछ 5-10 मिनट के इंटरव्यू काफ़ी नहीं होते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे आने वाला दिन में, और बसर जी के साथ और भी बहुत सारे इंटरव्यू लेकर आएंगे, बहुत सारे टॉपिक्स में, बहुत सारे इश्यूज में, जो हमारे जो राज्य को और हमारे जिले को जो भी और हमारे देश को जो प्रॉब्लम जो इश्यूज जो है, जो हमारे ये जो कंसर्न है, उसको हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए हम ये हमारे आज इस इंटरव्यू को यहीं तक समाप्त करना चाहेंगे। तो बहुत ही धन्यवाद आप सबको, परमेश्वर भला करे। धन्यवाद।